वन ऑफ द मैजिक मॉड्यूल्स जिसको अगर आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, स्पेशली अगर आप एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए पिक्सल एक्सपीरियंस कस्टमर में यूज़ कर रहे हैं, पिक्सल ओएस कस्टमर में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप कस्टमाइजेशंस को ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलती, बट विद द हेल्प ऑफ AOSP मोड्स आप काफ़ी सारी कस्टमाइजेशंस को ऐड कर सकते हैं। इसका न्यू अपडेट हमारे पास अवेलेबल है जिसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशंस ऐड करी गई हैं। कुछ बेसिक से न्यू मेजर चेंजेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड एंड make sure to watch this video till the end and let's get started here. सबसे पहले इसके न्यू अपडेट में हमें अब हेड्सअप के जो नोटिफिकेशंस हैं उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि जो हेड्सअप के नोटिफिकेशंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड तक आपके डिवाइस में रहता होगा हेड्सअप के रूप में, आप उसकी जो ड्यूरेशन है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी केसेज में काफ़ी यूज़फुल भी हो सकती है। अगर आप इन फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 5000 मिलीसेकंड्स होगा, आप 3000, 2000, 1000 अप टू 10000 तक जा सकते हैं, जितना भी आपको बेटर लगे आप उस हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये तो है हेड्सअप कस्टमाइजेशन। उसके अलावा सेकंड चेंज जो मुझे देखने को मिला वो है जेस्चर्स एक्शन। यहाँ पर अब आपके पास एक्शन में पहले भी एक्शन तो आप कर सकते थे, कुछ ऑप्शंस आपके पास पहले भी अवेलेबल थे, लेकिन जब आप यहाँ पर स्वाइप अप करेंगे अपने लेफ्ट से नेविगेशन बार से तो आपके पास यहाँ पर स्लीप का ऑप्शन देखने को मिला, यानी कि आप स्वाइप करेंगे आपका डिवाइस स्लीप मोड में चला जाएगा और ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जो नहीं कि आपको उन्हें यूज़ करना है, बट इट्स टोटली अप टू यू, यूज़ करना है या नहीं करना है इट्स अप टू यू, लेकिन ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपको यहाँ पर सब आप बता रहा हूँ, और अगर आपको इनमें से किसी भी फीचर्स को यूज़ करना नहीं पसंद है तो आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर थीमिंग के ऑप्शंस में। तो थीमिंग में अब आपके पास पावर मेन्यू के अंदर भी थीम्स अवेलेबल हैं, जब आप क्लिक करते हैं ऑफकोर्स अगर आपको भी सर से फोर स्टॉप देखने मिलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप दोबारा से ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। एज आई एम यूजिंग कैनरी वर्जन तो इसलिए मुझे मिनिमल से बग्स देखने को मिल रहे हैं, आप स्टेबल वर्जन यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको स्टेबल वर्जन का ही लिंक प्रोवाइड करूँगा। इस ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं भी आपको करके नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सब हैं कुछ मेजर चेंजेस जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उन सब के अलावा अगर इसके कुछ कस्टमाइजेशंस की बात करेंगे एज क्विकली एज पॉसिबल, तो आपके पास यहाँ पर आइकन के कस्टमाइजेशंस है आर्चर्स, जो कि काफ़ी यूजफुल आइकन पैक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप जो डार्क मोड है आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको पिच ब्लैक चाहिए जो कि अगर आपके कस्टमरों में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चोको वैक्स और इस तरह के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। कस्टमाइजेशन तो आपको इसमें भर भर के देखने को मिल जाती हैं, लाइक स्टेटस बार के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आइकन्स को इनेबल डिसेबल करना, वोल्टी आइकन को इनेबल और डिसेबल करना, क्विक सेटिंग्स के अंदर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पर। क्विक सेटिंग टायर्स की कस्टमाइजेशंस आपको देखने को मिल जाती हैं, किस तरह के क्विक सेटिंग टायर्स आपको चाहिए। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको किसी और ऐप में अगर आप उन्हें ट्राइव करेंगे तो वहाँ पर पेड हैं, लेकिन AOSP मोड्स में बिल्कुल फ्री है। कैसे इसे इंस्टॉल करना है बाय द वे AOSP मोड्स को, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे इसे अपने डिवाइस में आपको इंस्टॉल करना है। लॉक स्क्रीन में भी आपको काफ़ी यूजफुल फीचर्स देखने मिल जाते हैं, शफल पिन एक्सेट्रा। नेविगेशन बार में मुझे एक फीचर काफ़ी पसंद है, दैट इज़ रिड्यूस स्पेस ऑन द कीबोर्ड, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर आपको कीप स्टॉपिंग देखने को मिल रहा है तो दैट इज़ नॉट वरीड अबाउट, क्योंकि मैं यहाँ पर कैनरी वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है, और ऐसा सिर्फ नॉर्मल देखने को मिलता है, एक दो बार आपको देखने को मिलता है। वो फीचर काम करते हैं, सभी फीचर्स काम करते हैं। अगर आप स्टेबल वर्जन यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन कोई इशू जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, तो यस आप स्टेबल वर्जन यूज़ कर सकते हैं, कैनरी यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मिसलेनियस में बड़े कमाल के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड स्क्रीनशॉट, जहाँ पर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते वहाँ पर आप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्वीक, और एक्स्ट्रा बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इस सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, अगर आप इन्हें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और बस यही सब चीज़ मैंने आपको बतानी थी, यही सब था आज की इस छोटी सी वीडियो में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। I will see you in the next one and make sure to subscribe the channel. Goodbye. Thank you.